असम के सिलचर में आई बाढ़ के मामले में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बराक नदी के तटबंध को काटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तटबंध काटने की वजह से सिलचर शहर बाढ़ के पानी में डूब गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले में 2 और लोगों की तलाश है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 2 की पहचान मिट्टू हुसैन लश्कर और काबुल खान के नाम के तौर पर हुआ है। लश्कर को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया जबकि खान को शुक्रवार रात को गिरफ्तार किया गया। तटबंध टूटने का वीडियो काबुल खान ने बनाया था जब सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कछाड़ जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उस वक्त स्थानीय निवासियों को ये वीडियो दिखाया था और लोगों से वीडियो में आ रहे आवाज की पहचान की अपील की थी। इसके बाद खान की पहचान हुई। सीआईडी के साथ साथ एसटीएफ को भी इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। 24 मई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने सिलचर से करीब 3 किलोमीटर दूर बेथुकंडी में बना तटबंध तोड़ दिया और ये सब बरसाती नाले के जरिए जमा हुए बारिश के पानी को बराक नदी तक जाने के लिए किया गया था। इसके बाद जून में जब भारी मूसलाधार बारिश हुई तो नदी का पानी इसी रास्ते से सिलचर में घुस गया और शहर को चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अभी तक हमने इस केस में 4 लोगों को अप्रीहेंड किया है, काबुल खान, मिथु हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर और रिपन खान। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन द वे, इट इज नॉट येट कम्प्लीटेड, तो वी विल फाइंड आउट हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।